तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 16 अगस्त 2024 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। साथ में लास्ट सेशन की सभी वर्कशीट, असेसमेंट, मिड टर्म पेपर, एनुअल पेपर, प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना, कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेयर्स पोजीशन मार्क्ड ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्तीय तल पर अंकित खिलाड़ी की स्थिति के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, इस प्रकार से देख सकते हो। यहाँ पर प्लेयर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, यानी कि खिलाड़ी 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, और उसके बाद में प्लेयर यानी कि खिलाड़ी 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5, प्लेयर 6, इनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, यहाँ से हमको देखकर लिखना है। क्लियर है, तो ध्यान से देख लो सॉल्यूशन इसका, ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ओके, तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये आपका x एक्सिस है यानी कि x अक्ष, और ये है y एक्सिस यानी कि y अक्ष। ठीक है, तो प्लेयर 1 2 3 4 कहाँ पर है, हमें निर्देशित करना है। तो ध्यान से देखो, प्लेयर 1 यहाँ पर है, तो सबसे पहले x पर देखो। ये x पर कहाँ मिलेगा, इस बिंदु से x पर देखो, x पर 6 है, y पर देखो 4 है, तो इसका निर्देशांक होगा 6, 4, फर्स्ट का हो गया। ठीक है, सेकंड देखो, प्लेयर 2 यहाँ पर है, ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये है प्लेयर 2, ठीक है, ये प्लेयर 2 है, तो इसके जो निर्देशांक हैं मूल बिंदु पर हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 0, 0। ठीक है, प्लेयर 2 का है। ठीक है, आगे देखो, अब प्लेयर 3 को देखो कहाँ पर है, ये है प्लेयर 3। ठीक है, सबसे पहले देखो x पर कहाँ पर है, x पर कहाँ मिल रहा है ये बिंदु, -3, और y पर देखो -5, तो इसके निर्देशांक होंगे, पहले x का लिखते हैं -3, -5। ठीक है, आगे देखो प्लेयर 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ध्यान से देखो x पर क्या है, सबसे पहले x पर है -6, y पर क्या है +3, y पर क्या है +3। ठीक है, तो इसका हो जाएगा -6, 3। ठीक है, आगे देखो प्लेयर 5 ये है, तो सबसे पहले देखो x पर कहाँ है, x पर है ये 2, y पर है -2, पहले x का लिखेंगे 2, -2। ठीक है, उसके बाद में प्लेयर 6 कहाँ पर है, ये है। ठीक है, देखो x पर क्या है, x पर है -1, y पर है -4, तो इसका हो जाएगा, ध्यान से देखो, कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, -1, -1, -4। ठीक है, इसका हो जाएगा, समझ गए, तो ये आप सही से लिख लेना। इधर लिख देता हूँ -1, -4, ध्यान से देखो। ठीक है, ये हो गया -1, -4। ठीक है, ऐसे ही आप बना लेना, समझ गए, बस यही आपको दिखाना था। तो सबसे पहले x अक्ष पर जो नंबर है उसको लिखते हैं कोमा लगाकर, फिर y अक्ष पर जो नंबर है उसको लिखते हैं। तो बिंदु से सबसे पहले x पर देखो, उसके बाद में y पर देखो, जो आए कोमा लगा के लिख दो, पहले x का फिर y का, आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद में आपको ऐसे ही अपने मीडियम में प्लेयर 1 इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, खिलाड़ी 1 हिंदी मीडियम में, और सामने आंसर ऐसे लिख लेना है, प्लेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके, और साथ में आंसर लिख लेना है, और इससे पहले आपको सेम वैसे ही डायग्राम बनाकर शो करना है, बाद में ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कॉमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।